नमस्कार, beforeprint.in में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले अब लोगों को डराने लगे हैं। बुधवार को करीब 162 दिनों के बाद 565 संक्रमितों की पहचान की गई। अकेले पटना में 219 नए केस पाए गए हैं। इसके पहले 2 फरवरी को 799 और 4 फरवरी को 496 नए मामले मिले थे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के मुताबिक संक्रमण के नए केस के मामले बुधवार को पटना के बाद भागलपुर टॉप रहा है। यहां 79 नए संक्रमित मिले, जो बेहद चिंताजनक माना जा रहा है। वहीं बांका में भी 38 नए मरीजों की पहचान हुई है, जबकि गया में 23, खगड़िया में 20, पूर्णिया में 19, मुजफ्फरपुर में 15, जहानाबाद में 12, सारण में 12, नालंदा में 10 और रोहतास में 9 केस पाए गए हैं। इसके अलावा अररिया, अरवल, दरभंगा में 7-7, मधेपुरा में 6, नवादा में 5 नए मरीज मिले हैं। अब बिहार में कोरोना संक्रमण दर 0.47% और पटना में संक्रमण दर 3.04% हो गई है। भागलपुर में 1.35% और बांका में 0.78% है। आपको बता दें कि बुधवार के बीच राज्य में 120,293 कोविड जांच हुई। कोरोना के नए संक्रमित मिलने के बीच पहले से संक्रमित रहे 398 मरीज अब ठीक हो चुके हैं। बुधवार को राज्य में कोरोना संक्रमण से 1 की मौत भी हुई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।